हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और इस बार भी मैं आपके डिमांड पर अंडर द डोम का सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगा, जो मुझे खुद देखने में बहुत मजा आया क्योंकि इसमें सीजन 1 की तरह ड्रामा कम और साईफाई की कहानी ज्यादा थी, इसलिए सीजन 2 आपको सीजन 1 से ज्यादा पसंद आएगी। पर अगर आपने इसके पहले सीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पॉज करके इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके लिए कंफ्यूजन से भरी साबित होगी। अज्यूमिंग के आपने का पिछला पार्ट्स देख लिया है, चलिए रिकैप करते हैं सीजन 1 के एंडिंग से। सीजन 1 में चेस्टर्स मिल टाउन में हमने देखा कि एक रहस्य और विशाल डोम में कैद हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है और लोगों में धीरे धीरे डर फैलने लगता है। आगे रिवील होता है कि ये सब एक ब्लैक एग के कारण हो रहा है, जिससे एंजी, जोई, नोरी, जेम्स और जूलिया मिस्टीरियसली कनेक्टेड है, और खास करके उस एग में अजीब शक्ति है जो इंसान को हिप्नोटाइज, किसी भी इंसान का रूप उनसे कम्युनिकेट और आगे होने वाली भविष्यवाणी विजन्स में दिखाने की शक्ति रखती है, जिसका सबसे पहला क्लू जूलिया को अनुभव होता है जब एग उसे बताने की कोशिश करता है कि पीटर नहीं रहा। वहीं ब्लैक एग किसी कारण से इंसानों को मरता नहीं देख सकता, इसलिए जरूरत के वक्त मदद करता है, जैसे उस पल बारिश होने लगती है जब टाउन के लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है। डोम को घेरे मिलिट्री किसी कारण से टाउन के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते दिखाई नहीं देते, इनफैक्ट उन्हें कुछ तो ट्रिगर करता है कि वो डोम को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका मैसेज रेवरेंट और जूलिया लकीली कैच कर लेती है, पर डोम यहाँ भी इंसानों को एक्सप्लोजन को झेलकर बचा लेता है। वहीं जब नोरी की मॉम मरने के कगार पर होती है तो वो ब्लैक एग अचानक से ग्लो करने लगता है, हालांकि उनकी जान नहीं बचती, पर उसी समय एग का ग्लो करना क्या साइन था ये आगे रिवील होगा। आगे एक प्रेग्नेंट वुमन को अपना पति नजर आता है, ऑल्दो वो डोम के बाहर होना था, जिसे छूते ही एक स्पार्क के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। आखिर कौन था वो, और उस प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी समय काफी टाइम बाद था, तो उसके टच करते ही उनकी डिलीवरी डेट कैसे बदल गई, क्या वो बच्चा भी स्पेशल है। सबसे बड़ा प्लॉट सीजन के एंड में रिवील होता है कि जेम्स की मॉम की एक्सीडेंट से जान नहीं बल्कि उन्होंने ब्लैक एग के पागलपन में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने पहले ही डोम की भविष्यवाणी किसी तरह से देख ली थी और लोगों को उन्हें वार्न करने की कोशिश भी की थी, पर उसके पति ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। सीजन के एंड में छोटे डोम के फटने के बाद जूलिया मोनार्क साबित होती है और अंधेरे में छाया टाउन और ब्लैक एग को प्रोटेक्ट करने के लिए जूलिया उस एग को लेक में डुबो देती है, जिसके तुरंत बाद पूरा टाउन पिंक स्टार्स में छा जाता है और डार्कनेस गायब होने लगता है। पर वहीं खुद को सबका मसीहा साबित करने के पीछे जिम अपने रास्ते का काटा बार्बी को हटाने के लिए उसे एग्जीक्यूट करने पड़ता है और सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सीजन 2 की कहानी से। अब टाउन से डार्कनेस खत्म होते ही डोम से तेज कान फाड़ने वाली आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे कुछ लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। लोगों को मुश्किल में देख बार्बी तुरंत उसकी मदद करने के इरादे से रिहा करने की मांग करने लगता है, पर जिम नहीं मानता और उसे एग्जीक्यूट करने का जेम्स को ऑर्डर देता है। पर अब जेम्स जिम का ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि टाउन पर अब और भी बड़ी समस्या आ पड़ी है जो बार्बी को पनिश करने से ज्यादा जरूरी है, वहीं उन्हें बार्बी की मदद भी पड़ सकती है। लिंडा खुद भी जेम्स से सहमत वो बार्बी को रिहा कर देती है, कम से कम उस स्कॉर्चिंग आवाज का सभी पर असर नहीं पड़ता, पर उनकी मुश्किलें जस्ट शुरू ही हुई होती है, क्योंकि उस नॉइस के कारण डोम से पावरफुल मैग्नेटिक शक्ति जनरेट होने लगती है, जिसके चपेट में जोई का पूरा घर तहस नहस हो जाता है। वहीं बार्बी अब भी हथकड़ी में वो डोम की तरफ खींचने लगता है, लिंडा उसे छुड़ाने की कोशिश कर इससे पहले कि उनकी तरफ बढ़ता कार उन्हें मसल दे। अंत में लिंडा बार्बी को छुड़ाने में सफल हो जाती है, पर एन मौके पर वो बार्बी को ढकल कर खुद शहीद हो जाती है। लकीली वो मैग्नेटिक शक्ति अभी सिर्फ डोम के करीब पावरफुल होता है और कुछ देर बाद वो शांत भी हो जाता है। पर सन की जिम लिंडा को खोने के मौन के बजाय वो अब भी बार्बी को मारने बढ़ता है, पर जेम्स उसे ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि बार्बी उसकी क्राइम के सारे राज जेम्स को रिवील कर देता है, जिससे अब जेम्स का उन पर से विश्वास उठ जाता है। वहीं एग को लेक में डुबोने के बाद उसी पल जूलिया को एक लड़की डूबते नजर आती है, जिसे वो तुरंत बचा लेती है। नजदीक एक इंसान उन्हें एक्स्ट्रा मदद ऑफर करता है, पर उसके परेशान शक्ल से साफ नजर आता है कि वो उस लड़की को किसी तरह से जानता है, पर कुछ न बोलना ही उचित समझता है। पर आगे वो अपने बारे में जूलिया से शेयर करता है कि वो कई समय से टाउन से दूर रह रहा है, क्योंकि उसकी बहन 9 साल पहले चल बसी और तब से वो किसी पछतावे में सबसे दूर यहाँ बस गया। पर वो एक राज नहीं रिवील करता कि जिस बहन के बारे में वो बता रहा है वो जेम्स की मॉम पॉलिन है, जो जूलिया को आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद उस अननोन लड़की को होश आने पर वो खुद भी सैम को देखकर हैरान नजर आती है, पर पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे खुद
लुक के बारे में कुछ याद नहीं रहता। वहीं तिलमिलाया जिम जब गन कलेक्ट करने अपने घर जाता है, डार्कनेस में उसे डोडी का साया नजर आता है जिसे उसने सीजन वन में आग के भेंट चढ़ा दिया था। डोडी खुद को एक मैसेंजर बताते हुए वो उसे ही ब्लेम करती है जिसके कारण टाउन अब नष्ट के कगार पर है, और यदि वो सच में टाउन के लिए भलाई चाहता है तो उसे सैक्रिफाइस देना होगा। पर जिम खुद का वहम समझकर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। आगे बार्बी की मुलाकात टाउन की विज्ञान स्कूल टीचर रेबेका से होती है, जो बार्बी को रिवील करती है कि डोम से वो आवाज काफी समय से आ रही है जो हर राउंड के बाद बढ़ती जा रही है। उनसे जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसानों की ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहा है जिसके कारण लोग एक एक करके ढेर होते जा रहे हैं, जिसे वो काफी समय से स्टडी कर रही है। यानी कि जिम का डोडी का साया देखना इसी का नतीजा था, और पिछले सीजन में बटरफ्लाइज का डोम की तरफ अट्रैक्ट होना भी यही कारण था। यदि इसे रोका नहीं गया तो बेहोश हुए लोग कभी उठ नहीं पाएंगे और ये धीरे धीरे और पावरफुल होकर पूरे टाउन को निगल लेगा। इसलिए दोनों तुरंत टाउन के लोगों के साथ मिलकर और रेबेका के एक्सपर्टी की मदद से एक आर्टिफिशियल ऑपोजिट मैग्नेट का टावर खड़ा करते हैं, जिसके ऑपोजिट मैग्नेटिक पल से डोम के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। पर उनके पास उतना पावर नहीं होता उसे तुरंत चार्ज करने के लिए, और वो असर दिखाने में काफी समय लेता है। वहीं जैसे ही जूलिया उस अननोन लड़की को उसके हवाले छोड़कर निकल जाती है, सैम तुरंत कोई जर्नल चेक करता है जहाँ कुछ अजीब पेंटिंग्स के अलावा जूलिया की भी तस्वीर नजर आती है। आखिर ये कौन सी जर्नल है, ये प्लॉट आगे भी होगा। वहीं अननोन लड़की भी बिना कुछ कहे निकल जाती है, पर तभी और भी पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट टाउन को हिट करता है जिसके चपेट में बाकी बच्चे भी ढेर हो जाते हैं सिवाय जिम, जूलिया और बार्बी के। जेम्स अनकॉन्शियस बेहोशी में वो खुद को किसी अजीब वर्ल्ड में पाता है जहां आगे उसे अपनी मरी हुई माँ भी नजर आती है। जेम्स के लिए ये रियल से कम महसूस नहीं होता, पर इससे पहले कि जेम्स अपनी माँ से सवाल करे, जिम जेम्स को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। अपने बेटे को मरता देख उसे डोडी की बात याद आने लगती है। इतना कम नहीं कि लिंडा का भी हेलुसिनेशन उसे वही सैक्रिफाइस का संदेश याद दिलाता है। अब वो डोम के इशारे को समझ जाता है और उसी फांसी पर लटकने बढ़ता है, पर जैसे ही वो लिवर पुल करता है जूलिया एन मौके पर उसे बचा लेती है और उसे सीख देती है कि डोम उसे मारना नहीं बल्कि टाउन में हो रहे हत्या को रोकना चाहता है। और जब वो ऐसा कहती है तब जूलिया के एंगल से हमें बादलों का अजीब बर्ताव करते नजर आता है, मानो ये कंफर्म करने के लिए कि वही डोम की मोनार्क है। और इस घटना के आखिर में वही अननोन लड़की लिंडा की लाश साथ लिए उसे किसी कारण से सॉरी कहती है। अब हमें समझ आता है कि डोम के लोगों को बेहोश करना शायद डोम किलिंग्स को रोकने के लिए ऐसा कर रहा था, ना उन्हें होश रहेगा ना ही जिम के कारण लोग मरेंगे, जैसे पिछले सीजन में कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी ओली के साथ लड़ाई में। जिम को वो हेलुसिनेशन भी उसे एक सीख सिखानी थी, पर आखिर डोम को इंसानों के साथ इतना लगाव क्यों है और जेम्स को वो विजन क्यों आया था और वो अननोन लड़की लिंडा के लाश को सॉरी क्यों कहती है, ये सारी मिस्ट्री आगे रिवील होगी। पर आखिर किसने टाउन को रियली बचाया, जूलिया के अनुसार उसने, वहीं रेबेका के हिसाब से उसके मैग्नेटिक टावर के मदद से, पर टाउन के अंधविश्वास लोगों के अनुसार इट वॉज जिम, क्योंकि उसके सैक्रिफाइस की निडरता के कारण गॉड ने उन्हें पनिश करने से माफ कर दिया। अब टाउन को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए बार्बी की सजा खारिज कर दी जाती है और क्यू की लिंडा नहीं रही, फिल को डिप्यूटी बना दिया जाता है और वो सीन वहीं कट होकर सीरीज में एक बड़ा प्लॉट रिवील होता है। जेम्स की मॉम पॉलिन जेम्स की तस्वीर के सामने उसे पुकारती रहती है, कोई जवाब नहीं आने पर वो पेंटिंग्स बदलकर एक डोर की पेंटिंग बनाने लगती है। सबसे बड़ा खुलासा कि टीवी पर डोम की न्यूज चल रही होती है कि कैसे लोग अब भी डोम में फंसे हैं और खिड़की से हमें वही ओब्लिक्स नजर आता है जो जेम्स के विजन में दिखाई दिया था, और ये ओब्लिक्स जेनिट नाम के टाउन में है जिसका क्लू हमें क्रिस्टल बॉल से पता चलता है। पर आखिर ये दुनिया है कौन सी, ये हम कुछ देर में समझेंगे। रात ढलने पर रेस्टोरेंट से निकलते वक्त एंजी को वही अननोन लड़की नजर आती है जिसका शक में पीछा करते करते वो स्कूल जा पहुंचती है, जहां वो अननोन लड़की किसी लॉकर को घूरते दिखाई देती है, पर एंजी को देखते ही वो भाग पड़ती है। जब एंजी खुद उस लॉकर को चेक करती है तो वो एकदम हैरान दिखाई देती है और फिर देखते ही देखते कोई उसकी जान ले लेता है और मरते मरते वो लॉकर पर छाप छोड़ जाती है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इसका आगे का एपिसोड देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है और आपके ही कमेंट और लाइक से मेरी वीडियो चल पाएगी। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।